सो स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस पॉडकास्ट में. एंड आई विल स्पीक अ लिटिल बिट इन इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी में, ताकि जितने भी हमारे भारतीय दर्शक हमें सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो हमारे साथ जुड़ सकें और जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं उस विषय को समझ सकें कि ये विषय क्यों उठाया गया है और क्यों हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें ये विषय बहुत चर्चा में रहता है अक्सर. तो आज हम हैं अमनजोत सिंह के साथ. अमनजोत सिंह जो कि एक फिटनेस प्रोफेशनल हैं, जो कि ढकौली जीरकपुर के एक मशहूर जिम अल्टीमेट फिटनेस के पार्टनर हैं और मैं कहूँगा एक फिटनेस जंकी हैं. मैं जितने सालों से अमनजोत सिंह को जानता हूँ वो एक बहुत ही कूल एंड कंपोज्ड फिटनेस प्रोफेशनल हैं. अपना आराम से एक्सरसाइज करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं और हाल ही के दिनों में जब बहुत कम समय में मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करने का एक मैंने एक प्रोग्राम रिजीम शुरू हुआ तो हमारी बहुत चर्चा शुरू हुई स्टीरॉइड्स को लेके. तो मैं अमनजोत सिंह से पूछना चाहूँगा. अमनजोत, बहुत सारे युवा, बहुत सारे यंगस्टर्स जिम में आते हैं आपके पास और वो स्टीरॉइड्स के बारे में उनके क्या ख्याल हैं? व्हाट इज द डिस्कशन दैट हैपेंस अराउंड स्टीरॉइड्स? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी जी मुझे इस पॉडकास्ट पे इन्वाइट करने का और इस काबिल समझने का कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इतने बड़े लोगों को यहाँ एड्रेस कर सकता हूँ. और जो आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, जो हमने डिस्कस किया था कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है ड्यू टू लॉकडाउन, आप घर पे रहे और फैट गेन हो गया, तो किस तरह से हम क्विकली कर सकते हैं. आपने खुद भी मुझे एक बहुत ही क्रिएटिव शेड्यूल बना के भेजा अपना, उसमें हमने कुछ एरर्स थे हमने उसको ठीक किया. आप इनका ओजस्वी जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इनका जो खुद का वर्कआउट है वो बहुत ही क्रिएटिव रहता है. मैंने आई डोंट थिंक सो, मैं 13 साल से तकरीबन एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैंने कभी भी इतनी क्रिएटिविटी एक्सरसाइज में नहीं देखी कि कोई लेग प्रेस पे भी डंबल के साथ ट्राइसेप एक्सटेंशन कर सकता है. तो ये क्रिएटिविटी सिर्फ इनमें ही है और इवन ये चीज़ टाइम सेविंग भी है बहुत ज़्यादा, अनलेस एंटिल आप बहुत हैवी लेग प्रेस और हैवी ट्राइसेप एक्सटेंशन नहीं कर रहे. तो बहुत ही अच्छा माहौल बना के रखते हैं जिम में और इनके साथ हमेशा ही बात करने में बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल से जैसे आप बात करते हैं वैसी फीलिंग आती है. बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हैं. और जहाँ तक इन्होंने बात करी स्टेरॉइड्स की, देखिए जैसे ही हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं हमारे दिमाग में इंजेक्शंस, टीके, ड्रग्स, ऐसी इस तरह की इमेजेस आनी शुरू हो जाती हैं. और हाल ही में अगर मैं एक इंसिडेंस की बात करूं, हमारे एक बहुत ही मशहूर बॉडी बिल्डर थे पंजाब के सतनाम खटरा जी, जो जिन्होंने अपने बाइसेप्स के दम पे नाम कमाया था. और मेरे से अब क्लाइंट्स आके पूछ रहे हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई, वो एक्सपायर कैसे हुए. तो बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने टीके लगाए थे और उनकी डेथ हो गई. वो मेरे से सुनना भी ये चाहते हैं कि मैं उनको ये बोलूं कि उन्होंने इंजेक्शंस लगाए थे बहुत ज़्यादा और उनकी डेथ हो गई. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप स्टेरॉइड्स यूज़ करो और उससे आपकी उसी से आपकी डेथ हो. उन्हें बेसिकली जो सामने निकल के आ रहा है अभी तक मीडिया में, दैट इज़ कि उन्हें हार्ट अटैक आया है. और देखिए हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है. हार्ट अटैक कोई सिर्फ स्टेरॉइड्स लेने वाले को या फार्मास्यूटिकल जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें नहीं आता, हार्ट अटैक दुनिया को आ रहे हैं. बट जब एक बॉडी बिल्डर, एक नामी बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक आता है तो इल्ज़ाम लगाते हैं हम स्टेरॉइड्स पे. बट ऐसा नहीं होता. ये एक स्टेरॉइड्स लेना एक पर्सनल चॉइस है और जी हाँ बहुत रिस्की चॉइस है. जब आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो आपकी बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं सिर्फ स्टेरॉइड्स लेने की वजह से. अब उसके साथ अगर आप सैचुरेटेड डाइट भी खा रहे हैं और आपसे अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हुआ तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो ये निकल के सामने आ रहा है कि कुछ डाइटरी इशूज थे होंगे रहे होंगे या थोड़ा बहुत मेडिसिन यूज़ रहा होगा, इस वजह से उनको ये डेथ हुई है उनकी. तो हमें जो जब हम बात करते हैं कि यंगस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं सिक्स पैक एब्स को या बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म करना है, या जब वो फिल्म प्रोफेशनल्स की सडन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें भी इतने कम टाइम में ऐसी रिप्ड फिजिक क्रिएट करनी है या हम एक बीच बॉडी क्रिएट करनी है या आपके आजकल फिटनेस एक्सपोज भी हो रहे हैं, तो अब स्टीरॉइड्स लेने की नौबत क्यों आती है? उसके बगैर क्या फिजिकलिटीज डेवलप की जा सकती हैं? मतलब व्हाट इज़ द नीड, क्यों आती है स्टीरॉइड्स की? देखिए नीड तो इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं है कि स्टीरॉइड्स के बिना बॉडी नहीं बन सकती. मैंने खुद नेचुरली
2009 से लेकर 2015 तक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करी है और मैंने उसमें एब्स भी निकाले हैं, साइज के साथ एब्स निकाले हैं, क्योंकि लोगों में मिथ रहता है कि हाँ एब्स तो निकल जाएंगे बट साइज बहुत डाउन हो जाएगा। यस, जेनेटिक्स प्लेज अ रोल, बिग रोल इन बॉडी बिल्डिंग, बट अगर आप नेचुरली भी मेहनत करो और आपके जेनेटिक्स थोड़े बहुत भी अच्छे हैं तो आप एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं। और जहां तक आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये नीड कहां से राइज हो रही है, यंगस्टर्स इसकी तरफ क्यों भाग रहे हैं, इसकी जो मेन कारण है दैट इज़ हम ऐसी इस टाइम वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां बहुत क्विक है सब कुछ। इट्स लाइक आप एक बटन दबाओ बिजली चल पड़ती है और बहुत आपकी टिप्स पर है, गूगल है, आप साथ के साथ सर्च करते हो चीज़ें, तो वो जो पेशेंस लेवल है वो ख़त्म हो चुका है न्यू जनरेशन का। और जब वो इतने बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनको देखते हैं ओवर द टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस, इतनी एज में ट्रांसफॉर्मेशंस, लाइक ओल्डर 45 प्लस जो हमारे एक्टर्स हैं वो इतनी अच्छी शेप में हैं, एब्स निकाल लेते हैं। देखिए, आपको ये चीज़ देखनी है कि स्टेक पे क्या है। आप अगर आज शाहरुख खान एब्स निकाल रहा है, अगर आज जॉन इब्राहिम एब्स निकाल रहा है, ये सब लोग 40-45 प्लस, आमिर खान ने एब्स निकाले, देखिए उनको एक फिल्म बनाने के करोड़ों रुपये मिलते हैं। तो अगर वो 3 महीने का एक छोटा सा मेडिसिन साइकिल लगा के अगर वो अपनी लाइफ के साथ वो रिस्क ले रहे हैं तो उनको उसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही ह्यूज है, बहुत ह्यूज रिवॉर्ड है, वो करोड़ों में उनको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो हम लोग हैं, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले हैं, या जो लड़के हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई इवन फिटनेस प्रोफेशनल भी है, बेसिकली इंडिया में रिवॉर्ड नहीं है इस चीज़ का जितना होना चाहिए। तो जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है इंडिया में वो बहुत ही कम है, आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हो और रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली आपको ये 2-3 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं कि क्या मैं अगर इतना रिस्क लूँ। देखिए, रिस्क अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँ तो स्टेरॉइड्स लेने से आपके बाल उठ सकते हैं, एक्ने हो सकता है, ऑयली स्किन, वाटर रिटेंशन, यू कैन गो इन डिप्रेशन, यू कैन लॉस योर लिबिडो, यू कैन लॉस योर इरेक्शंस। तो दुनिया भर किडनी इश्यूज, लिवर इश्यूज, मतलब हार्ट अटैक्स, सब कुछ हो सकता है आपको। लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं कि पक्का होगा, और इट इज जेनेटिक डिस्पोजिशन मोस्टली। तो लेकिन अब ये है कि अगर हमारे बाल भी उड़ गए तो हम वो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आज अगर किसी बहुत बड़े सुपरस्टार के बाल भी उड़ जाते हैं तो उनके लिए वो भी दिक्कत नहीं है, वो लोग ट्रांसप्लांट करवाएंगे 60-70 हज़ार का, उनके लिए वो भी इश्यू सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज उनका उनको उस चीज़ के लिए पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मिला। क्या आप इतना रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या आप जब स्टेरॉइड लगाएंगे आपके आंखों के सामने अपनी मम्मी का चेहरा, ब्रदर का चेहरा नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ के साथ खेल रहा हूँ? बिकॉज येस, स्टेरॉइड इज टू मच रिस्की। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर एजुकेशन के साथ ये चीज़ की जाए, अगर पढ़ के ये चीज़ की जाए, अगर चीज़ों को समझ कर करा जाए कि अगर मैं इतना लगा रहा हूँ तो इसका ये रिस्क है, अगर मैं ये इतनी डोज पे ले रहा हूँ तो इसका ये रिस्क है, या अगर आपको खुद को नहीं पता तो ट्राई सिटी में बहुत ही नॉलेजेबल लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो आपको इस चीज़ की तरफ, अगर आप ये पाथ चूज करना ही चाहते हैं, दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस, तो आप उनके पास जाके उनको उनसे सलाह लेके जिस कर सकते हैं वो लोग आपको करवा दें। और बहुत ही साइड इफेक्ट्स, ऐसा नहीं मैं कहूँगा साइड इफेक्ट्स आएंगे ही नहीं, बट बहुत आपको चीज़ें कंट्रोल में कराएंगे। प्लस इस चीज़ में ब्लड टेस्ट होने बहुत ज़रूरी है रेगुलर, जो हम बिल्कुल भी नहीं करवाते, बिफोर साइकिल, ड्यूरिंग साइकिल, आफ्टर साइकिल, आपकी लिपिड्स, आपका टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और हर तरह की कोलेस्ट्रॉल आपका कहाँ घूम रहा है, ये टेस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। इस चीज़ में दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत मेन जो इंडिया में है दैट इज़ एजुकेशन। वो सिर्फ स्टेरॉइड्स को लेकर नहीं है, वो वर्कआउट्स को लेकर भी है, स्टेरॉइड्स तो बहुत दूर की बात है, न्यूट्रिशन को लेकर भी है, ट्रेनिंग को लेकर भी है। इवन आप क्लाइंट्स की बात तो बाद में कीजिए, बिकॉज वो लोग तो सिर्फ हमें पे करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो लोग इस फील्ड में कहते हैं कि हाँ हम बहुत पैशनेट हैं, हम बहुत दिल लगा के काम करने आए हैं, वो लोग ही पढ़ना नहीं चाहते, वो लोग ही स्टडी नहीं करते। तो जो हम बात कर रहे हैं युवा पीढ़ी की, या एक मिडिल एज ग्रुप भी जो जिम मैक्सिमम अब आने शुरू हो गए हैं, तो उसमें जो स्टेरॉइड की जो ख्वाहिश रहती है या जो कंजम्पशन रहती है, वो हम उसका जो पैटर्न है वो फीमेल्स में कैसा है देखने, महिलाएं कैसे, क्या महिलाएं भी कहती हैं कि हमें स्टेरॉइड्स लेने हैं, कि हमें बहुत लीन होना है, हमसे वेट लूज़ नहीं हो रहा है, हमारे
थायराइड इश्यूज हैं हमारे, गाइनी इश्यूज हैं, तो क्या उनमें से भी हैं कुछ तबका जो स्टीरॉयड्स लेना चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? देखिए, ना तो क्लाइंट्स को, चाहे वो फीमेल क्लाइंट्स हों, जैसे स्पेशली जैसे क्लाइंट्स की बात आपने करी है जो बिल्कुल ऑफिस जाने वाले हैं, घरेलू फीमेल्स हैं घर में रहने वाली, उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता. दैट इज़ ट्रेनर्स. ट्रेनर्स उनको बोलते हैं कि जस्ट लाइक अगर मैं आप उन्हीं की भाषा में आपको बोलूँ तो कि मैम एक छोटी सी गोली ले लीजिए, सर एक छोटी सी गोली है, 30 दिन का कोर्स है, ऐसे फैट गायब हो जाएगा. तो ट्रेनर्स हैं जो उनको ये चीज़ें बताते हैं, या मीडिया, या वो गूगल करते हैं ऐसी चीज़ें, उनको दिख जाती हैं कि हाँ ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. बेसिकली जल्दी जल्दी करना है, पेशेंस लेवल ख़त्म है. जल्दी करने के चक्कर में स्टेरॉइड्स की तरह लोग भागते हैं. क्लाइंट्स को कुछ भी नहीं पता, ट्रेनर्स ही ऐसी मीठी मीठी गोलियां देते हैं और सपने दिखाते हैं, ये कर लीजिए जल्दी हो जाएगा, साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं होगा, बताते भी नहीं ढंग से कि क्या दे रहे हैं. इवन कई ट्रेनर्स तो ऐसे हैं कि वाइट कलर की डब्बी में बस गोलियां डाल के दे देते हैं, 30 गोलियां डालो, एक 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 लेनी है, फैट लॉस हो जाएगा. उसके दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स होते हैं चीज़ों के, सिर्फ 4 पैसे फालतू बनाने के लिए. तो दैट ट्रेनर्स हैं जो लोग इस चीज़ को ज़्यादा जिम्स में स्पेसिफिकली प्रमोट कर देते हैं. तो नॉर्मली स्टीरॉयड अगर कोई भी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए किसी को करनी पड़े, किसी का हेल्थ इशू ही इतना बड़ा आ जाए या कोई उसका स्टेक बहुत हाई हो जाए, तो नॉर्मल साइकिल क्या रहता है एक स्टीरॉयड कंजम्पशन का? देखिए, जो एक नॉर्मल बिगनर साइकिल भी रहता है या इंटरमीडिएट या इवन एडवांस भी मैं बात करूँ, 12 to 16 weeks तक एक साइकिल जाता है. 8 weeks का साइकिल भी होता है बिगनर साइकिल, और इसमें जो बेसिक सॉल्ट्स यूज़ होते हैं हमारे, वो टेस्टोस्टेरोन तो हर सॉल्ट में यूज़ होगा, हर साइकिल में यूज़ होगा बिकॉज इट्स द बेस ऑफ एवरी साइकिल. उसके आगे कुछ फॉर्म्स होती हैं, प्रोपोनेट होता है, इनन्थेट होता है, साइपोनेट होता है, सिस्टेनिन 250 है. इसके साथ आपका गोल मैटर करता है. अगर आपने लीन होना है तो आप इसके साथ अनावर लगा सकते हैं, अगर आपने बल्क लगाना है तो इसके साथ आप एनाड्रॉल लगा सकते हैं. दैट इज़ द मोस्ट बेसिक साइकिल जो एक बिगनर लगा सकता है, एक सिंपल ओरल, साथ में एक टेस्टोस्टेरोन, कोई भी उसकी पसंद का. टेस्टोस्टेरोन की डोज 200 mg से ऊपर वीकली जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने TRT डोजेस देनी है बॉडी को, विच इज़ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे बोला जाता है, ताकि जो आप दूसरा अटैचिंग स्टेरॉयड ले रहे हो इसके साथ, अनावर या एनाड्रॉल, बिकॉज आप कोई भी स्टेरॉयड लोगे वो आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसको सप्रेस कर देगा. वो सप्रेशन के सिम्टम्स ना आए इसलिए आपको साथ में TRT डोजेस में टेस्टोस्टेरोन देना चाहिए. और आप अगर कोई ओरल स्टेरॉयड यूज कर रहे हो, दैट इज अनावर या एनाड्रॉल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लिवर टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा लिवर टॉक्सिक. इनका जो टाइम पीरियड है, इसकी जो ड्यूरेशन है स्पेसिफिकली ओरल स्टेरॉइड्स की, वो अगर आप एनाड्रॉल यूज़ कर रहे हो 4 weeks से ऊपर मत जाओ. एनाड्रॉल इज़ द मोस्ट आप कह सकते हो जो लिवर को ख़राब करता है आपके. और अनावर थोड़ा सा लिवर फ्रेंडली है, बट ऐसे नहीं लाइटली नहीं ले सकते. हाँ, अगर आप एनाड्रॉल को 4 weeks चला रहे हो तो आप अनावर को 8 weeks तक, 10 weeks तक स्ट्रेच कर सकते हो. द नेक्स्ट इज डोजेज. अगर आप एनाड्रॉल यूज़ कर रहे हो उसको 50 से ऊपर मत जाओ पर डे, 50 mg से ऊपर मत जाओ मैक्स. और अगर आप अनावर यूज़ कर रहे हो तो आई वुड से 80 mg से ऊपर मत जाओ. स्टार्ट विद 25, देन गो टू 30, देन 40, और जो मिनिमम डोज पे आप रिजल्ट ले सकते हो ताकि साइड इफेक्ट्स भी आए मिनिमम रहे, उससे यूज़ करो. और बहुत ही सिर्फ आप ओजस्वी जी मानिए, सिर्फ आप एक सिंपल ओरल एनाबॉलिक लगा के और एक सिंपल TRT डोज पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकते हो. बट दिक्कत कहाँ आती है, रिजल्ट आ जाते हैं सर और चाहिए, भूख बढ़ती जाती है, डोज बढ़ती जाती है, साइड इफेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, दिक्कतें फिर आती हैं. तो ये नॉर्मल क्या कॉस्टिंग रहती है इसकी? देखिए, जो इसको अगर मैं बोलूँ तो मैं स्टेरॉइड्स नहीं बोलना चाहता, मेरे को ऐसे थोड़ा स्टेरॉइड्स बोलना इंसल्ट सी लगती है. मैं इसे मेडिसिन बोलता हूँ या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स. तो इट्स जस्ट मेडिसिन, ये दवाई की तरह ही यूज़ होते हैं बेसिकली. जो स्टेरॉइड्स हैं बर्न विक्टिम्स होते हैं, 90% बर्न्स हो गए वहाँ स्टेरॉइड्स यूज़ किया जाता है. एड्स विक्टिम्स होते हैं, एड्स इनको हो जाता है. कैंसर पेशेंट्स होते हैं, किसी को कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है, वहाँ पर ये चीज़ें यूटिलाइज की जाती हैं एज अ मेडिसिन. तो ये एक दवाई है, ये कोई वो नशों वाले इंजेक्शन नहीं है. इनकी कोई लत भी नहीं लगती. लत जो लग जाती है दैट इज़ बॉडी इमेज की लग जाती है, बिकॉज एक टाइम पे आप 18 inch का बाइसेप लेके घूम रहे हो और जब आप ऑफ साइकिल जाते हो तो आप एकदम से 14 पे आ जाते हो. दैट इज़ द लत एक्चुअली. आप फिर से लगाओगे कि नहीं मुझे तो 18 करना.
ऐसे एज सच आपको कोई टेस्ट की लत नहीं लग सकती। और क्या कॉस्ट रहती है इसकी? कॉस्ट रहती है इसकी इतनी, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आपने टेस्टोस्टेरोन परचेज करना है कुछ 2400-2500 रुपये तक का आ जाता है, और टेस्टोस्टेरोन अगर आप दो बार भी लगा रहे हो हफ्ते में वो आपका महीना चल जाता है। तो नॉर्मली एक 10 ml की वायल आती है, उसमें से एक एक ml के 10 injection निकल जाते हैं। कॉस्टिंग कोई ज्यादा नहीं है, मतलब 2400 महीना या 5000? नहीं, 5000-6000 महीने में आपका एक मेडिसिन। और जो आपने एनाड्रोल या वो बोला था वो भी 2000-2500 की 100 टैबलेट्स आ जाती हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें, बिकॉज ये महंगी इतनी नहीं है चीजें। अगर ये अगर किसी ने HGH यूज करना है, विच इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो भी बहुत यूज होता है। अब वो क्यों नहीं लोग यूज करते? बिकॉज वो महंगा ही बहुत है। 13-14 हज़ार में वो 100 IU 120 IU आता है, जो सिर्फ 15 दिन चलता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत साइड इफेक्ट फ्रेंडली है, बट लेकिन स्टेरॉइड्स के मामले अगर आप स्टेरॉइड्स से HGH को कंपेयर करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर HGH के। आप किन्हें रेकमेंड करेंगे कि वो स्टेरॉइड्स की ओर देखें, और किन्हें रेकमेंड करेंगे कि स्टेरॉइड्स की ओर बिल्कुल ना देखें? इसका कोई एज ग्रुप आप मेंशन करना चाहेंगे? एज ग्रुप, इसका एज ग्रुप तो नहीं मेंशन करना चाहता मैं, लेकिन ये है कि जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग इस प्रोफेशन में हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ उन्हें ही बोलूँगा कि आप लोग इसको सोच लीजिए। अगर आप लगाना चाहते हैं किसी अच्छे ट्रेनर के नीचे या जिन्होंने अच्छे कोर्सेज किए हैं उनके अंडर गाइडेंस में कीजिए, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इस चीज़ के बिना नहीं हो सकती। आप, मैं तो कहूँगा आप स्टेज पे एक पैर भी नहीं रह सकते अगर आपने स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ किए। हाँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग होती है, बट आप, आपके जैसे और मेरे जैसे लड़कों को देखने नहीं जा रहे स्टेज पे, आप एक बीस्ट बॉडीज देखने जाते हैं। आप इन जो आप कह सकते हो बहुत ही ह्यूज मैसिव शरीर आप देखने जाते हो, वो लोग, वो चीज़ें स्टेरॉइड्स के बिना पॉसिबल नहीं है। ये एक गेम का पार्ट है, तो आपको जाना ही पड़ेगा उस रोड पे। बट अगर कोई मेरे से पूछेगा, अगर आप इस प्रोफेशन में हैं और बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली आप बॉडी बिल्डिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं सिर्फ, तो ही स्टेरॉइड्स के लिए सोचिए। तो आपने जिक्र किया था नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का, तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बॉडी अगर एक सिमिलर आपने गोल अचीव करना हो, फॉर एग्जांपल आपने वेस्ट, अपनी वेस्ट साइज से आपको ट्रिम करना है, मान लीजिए 3 inches आपने रिड्यूस करना है, या आपने चेस्ट पे या आर्म्स पे 3 inches गेन करने हैं, क्योंकि परफेक्ट बॉडी उसी को कहते हैं कि वेस्ट साइज बिल्कुल ही मिनिमल हो और आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी एकदम वाइड आउट हो, जितनी भी थाइस भी वेल डेवलप्ड हों, काफ्स भी वेल डेवलप्ड हों। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से अगर हमें ये गोल अचीव करना हो, और इफ़ यू टेक द हेल्प ऑफ स्टीरॉयड्स टू यू नो एक्सेलरेट द होल प्रोसेस, तो कितना टाइम गैप का डिफरेंस फील होता है, और डेफिनेशन में भी के परस्पेक्टिव में भी जानना चाहेंगे कि क्या फ़र्क पड़ जाता है? देखिए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स। और आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को मेडिसिन जो हम अगर यूज़ करके बॉडी बनाते हैं, स्टेरॉइड्स के साथ जो बॉडी बनाते हैं, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। ज़मीन आसमान का फ़र्क ऑलमोस्ट पड़ जाता है। ड्यूरेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा साल लगेंगे। आपको ऑलमोस्ट, अगर मैं एक टाइम फ्रेम दूँ, तो स्टेरॉइड्स के साथ अगर किसी, अगर हम कोई दो लोग लें जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करने का, दोनों अभी नेचुरल हैं, आप एक को 3 months का साइकिल दे दीजिए और एक को कहिए कि आप अभी भी 3 महीने और नेचुरल ही रहोगे, जिसको आपने 3 months का साइकिल दिया होगा वो डबल हो चुका होगा जितना उसने 5 साल में अचीव किया होगा, और जिसको आपने कहा है कि तू और 3 महीने नेचुरल रहा, वो वही होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। अगर आप ऐसे लोग उठा रहे हैं जिन्हें ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस है लिफ्टिंग का और न्यूट्रिशन का, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फिजिक वाइज, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जो फैट परसेंटेजेस आप स्टेरॉइड्स पे अचीव कर सकते हैं, लो फैट परसेंटेजेस, वो आप नेचुरली उतना लो नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और बाइसेप के साइजेस और वेस्ट के साइजेस आप जो स्टेरॉइड्स पे अचीव कर सकते हैं, वो नेचुरली अचीव नहीं कर सकते। मेरे पिछले साल एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें बहुत अच्छी एक चीज़ उभर के आई थी कि स्टीरोइड खाने के बाद बहुत सारे यंगस्टर्स को ये लगता है, स्टीरोइड्स कंज्यूम करने के बाद या जो साइकिल पे वो हैं, कि यू नो पहले दिन जब वो स्टीरोइड लेते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे अगले दिन वो स्पाइडरमैन वाली फीलिंग है कि नेक्स्ट डे ना आपके अंदर सुपर पावर्स आ गई हैं। तो अब हम बात करेंगे हार्डवर्क की, स्टीरोइड्स साइकिल पे हार्डवर्क कितना डिमांड करता है, उसके बाद आपको बॉडी को कितना पुश करना पड़ता है, कि क्या आपका स्टीरॉइड का साइकिल ही मैजिक सारा प्ले कर रहा है या आपकी पुशिंग भी फॉलो कर रही है उसे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल आप कह सकते हो मैं उल्टा है।
नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, आप इनडिसिप्लिन रह सकते हैं, चलो प्रोटीन मिस हो गया आज कोई बात नहीं, चलो आज आइसक्रीम खा ली कोई बात नहीं, चलो आज ज़्यादा नमक वाली चीज़ खा ली, ज़्यादा फैट वाली चीज़ खा ली कोई बात नहीं। बट लेकिन अगर आप एक 3 months 12 to 16 weeks की सर्वाइवल साइकिल पर हैं, द डे यू टेक द फर्स्ट इंजेक्शन, उस दिन से आप भूल जाइए, आप नमक ज़्यादा ले सकते हैं, आप सैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा नहीं खा सकते, और आप प्रोसेस चीज़ें, बेकरी वाली, बिस्कुट, नमकीन, ये चीज़ें बिल्कुल आपको ज़ीरो करनी पड़ती हैं। आपका एक पिन पॉइंट कॉपी पे लिखा हुआ शेड्यूल होता है, इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये खाना है, इतने ग्राम खाना है, इस टाइम ये सॉल्ट लगेगा, इस टाइम ये सॉल्ट लगेगा, इस सॉल्ट के साइड इफेक्ट से बचने के लिए ये चीज़ लेनी है, तो हम बहुत लाइटली ले जाते हैं। इवन कई तो ऐसे भी कह देते हैं कि अच्छा उसने तो टीके लेके बॉडी बनाई है, जस्ट वो ऐसे कहते हैं कि इंजेक्शन लेके कोई भी बॉडी बना लेता है। मैं आपको पर्सनली कह सकता हूँ, मैं खर्चा करने को तैयार हूँ, कोई मेरे सामने आके खड़ा हो कि मैं बॉडी बना लूँगा, मेरे को इंजेक्शन लगवाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द पेन यू हैव टू फेस, जो इंजेक्शन की साइड पे पेन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। बहुत मुश्किल है स्टेरॉइड्स पे बॉडी बनाना, बहुत मेंटली टफ इंसान ही होता है जो स्टेरॉइड्स को लेकर बॉडी बना लेता है, बिकॉज इंजेक्शन लगाने हफ्ते में 3 दिन और फिर उनका दर्द सहना, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। और फिर एक्सरसाइज तो करनी ही है, दर्द में भी एक्सरसाइज करनी है आपकी, आप मानोगे नहीं, पूरी पूरी जिस साइट पे आप इंजेक्शन लगाते हो कई बार वो नंब रहती है, पूरी ही खड़ जाती है कई बार वो साइट, आपको वो चीज़ें सारी बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसके अलावा बुखार पता नहीं कब चढ़ जाता है इंजेक्शन लगाने के बाद, और अगर आपने ओवरडोज थोड़ा बहुत हो गया ऊपर नीचे, बिकॉज इट्स लाइक यू आर प्लेइंग विद योर हॉर्मोन्स, तो आप बिल्कुल सटीक कभी भी नहीं हो सकते, तो थोड़ा बहुत ऊपर हो रहा है उसको बैलेंस करना फटाफट, एक्ने शुरू हो गया है, हेयर लॉस शुरू हो गया है उसको बैलेंस करना, गाइनोसेटिन हो जाता है उसको फटाफट बैलेंस करना चीज़ों के साथ, ये बहुत मुश्किल है, तो इट्स अ वेरी टफ एंड टफ गेम। तो इससे मैं ये समझूंगा कि एक चीज़ है जो कुदरत ने बनाई है, वो है कि इंसान का शरीर, और उसको फंक्शन करने के लिए जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज, ऑलमाइटी भगवान रब अल्लाह जो भी हम बोलते हैं उन्हें, वाहेगुरु, उन्होंने हमें कुछ नेचुरल फंक्शनिंग दी है, तो जब भी हम नेचुरल फंक्शनिंग को एक आर्टिफिशियल सपोर्ट से सस्टेन करेंगे तो पूरा साइकिल ही चेंज हो जाएगा, फिर बॉडी लाजमी है मिसबिहेव कर सकती है भी किसी भी फ्रंट में, फिर चाहे जैसे आपने कहा कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आ सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, आपके टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल्स स्पिल ओवर हो सकते हैं, एकदम शूट हो जाएंगे, एकदम ड्रॉप हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल, वाटर रिटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर की दिक्कत है जी, मतलब बहुत चीज़ों पर फर्क पड़ता है। तो आज के इस डिस्कशन से ये चीज़ उभर के आई है अमनजोत से बात करके कि अगर आप रियली एक बॉडी बिल्डिंग को एज अ प्रो एथलीट, प्रो प्रोफेशनल, यानी कि वही आपका दाना पानी, आपकी दाल रोटी वही है और उसी से आपने उठना है, उसी से आपने सोना है, या आप एक ऐसे उमदा लेवल के एथलीट हैं जिसने, मान लो उस केस में भी उनके डोपिंग टेस्ट तो होते ही हैं, है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स के केस में, बट अगर आपकी कोई ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है पर्सनली, बहुत हेल्थ एलिमेंट इशू पे आ गए हैं, आपकी डॉक्टर ने लिख दिया है कि भैया आप 50 किलो वेट कम करो नहीं तो काम ओवर हो जाएगा, तब तक इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी आई थिंक स्टीरॉयड्स, जिनको हम कहें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ये आई थिंक एक आर्टिफिशियल सपोर्ट के लिए क्रिएट किए गए थे, जब बॉडी नेचुरल एबिलिटीज नहीं दे पा रही है तो उसके केस में यूज कर पाते हैं। टेस्टोस्टेरोन यूज होता है बहुत ज्यादा, इंडिया में तो अभी ये थेरेपी इतनी है नहीं मशहूर, बाहर कंट्रीज में जो TRT हम कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, डॉक्टर्स स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब करते हैं इसको कि इस इंसान के टेस्ट लेवल इससे डाउन चले गए हैं, उस वजह से इसको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए मैं इसको इतने MG प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो ये चीज़ प्रिस्क्रिप्शन पे चल रही है, इंडिया में अभी ये चीज़ बिल्कुल सुनने को नहीं मिलती। तो इससे मैं ये समझूंगा कि जितने भी युवा हैं भारत में, वो अपने थोड़े स्ट्रेस लेवल्स पे काबू जरूर पाएं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा लेने से भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ड्रॉप होता है। एक अच्छी डाइट लें, रेगुलर स्लीप लें, रेगुलर अपनी एक्सरसाइज रखें, और अनलेस कोई बहुत एक्सट्रीम गोल्स ना हो तब तक इनकी तरफ ना आ जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके सिस्टम के साथ प्ले करेंगे, जैसे हम नेचर के साथ भी प्ले करके, नेचर ने भी हमारे साथ प्ले किया है हाल ही के दिनों में, कुछ महीनों पहले, तो बॉडी के साथ भी यही साइकिल हो सकता है। तो
आज के शो में अमनजोत ने हमसे बात की स्टीरॉइड्स के बारे में कि क्या वो ज़रूरी हैं और अगर लेने हैं तो किन हालातों में लेने हैं, किन्हें लेने चाहिए, किन्हें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तो अमनजोत, आज के इस एपिसोड में स्टीरॉइड्स के ऊपर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शक जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, वो नीचे कमेंट्स में अपने सवाल लिख सकते हैं जो इस प्रोग्राम के और आने वाले प्रोग्राम्स के ज़रिए भी या कमेंट्स के ज़रिए ही आपको उनके जवाब दिए जाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए सबका विशेष धन्यवाद। अमनजोत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जसवी जी। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। Thank you so much.